आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 15 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आम जनता के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए सभी नागरिकों, विशेष रूप से माताओं बहनों के सम्मान पर आंच नहीं आने दी जाएगी। विकास और मजबूत कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिले, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। बात पढ़ाई लिखाई की हो या रोजगार, खाद्यान्न वितरण या उपचार की, कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कहीं किसी भेदभाव को स्थान नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के मध्य सद्भाव आवश्यक है, यही भाईचारा हमारी ताकत भी है। भारत भूमि ने सदैव इस भावना को बल भी दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ नेता स्वर्गीय आरिफ बेग की 86वीं जयंती पर रविंद्र भवन भोपाल में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। छतरपुर में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि शराब जहरीली थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहरीली शराब की आशंका को खारिज कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज पर हमला किया है, साथ ही उनसे कई सवाल पूछे हैं। छतरपुर में 4 लोगों की मौत पर कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि उज्जैन में जहरीली शराब से 14 की और मुरैना में 25 की मौत के बाद अब छतरपुर में शराब से 4 लोगों की दुखद मौत। शिवराज जी ये शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? आखिर ये माफिया कब गड़ेंगे, कब डगेंगे, कब लटकेंगे? आपका बदला हुआ मूड कब इन माफियाओं को दिखेगा? ऋतुराज बसंत का आगमन और महादेवी बाग देवी की आराधना का महाउत्सव 16 फरवरी मंगलवार को मनाया जाएगा। इस बार विशिष्ट योग में यह महापर्व मनाया जाना है। ऐसा इसलिए कि इस दफा रेवती नक्षत्र और मकर में सूर्य व गुरु की युति से बन रहा विशेष योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार 16 फरवरी को भोर में 3:38 पर लगेगी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और 17 फरवरी की भोर में 5:47 पर इसका मान रहेगा। खास बात यह है कि पंचमी तिथि को दिन है मंगलवार, नक्षत्र है रेवती और मकर राशि में सूर्य व गुरु की उपस्थिति की वजह से इस बार बसंत पंचमी को 13 योग बन रहा है। इसमें अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग है। ऐसे में बसंत पंचमी का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले 24 घंटों बाद कई जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश के कारण एक बार फिर से तापमान में गिरावट आएगी, जिस कारण ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 16 से 19 फरवरी के बीच कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम का बदलाव प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में देखने को मिल सकता है। बता दें कि अभी दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नमी में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती नमी के कारण 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 16 फरवरी तक बंगाल की तरफ से मध्य प्रदेश में नमी आने लगेगी। इसका सबसे ज्यादा असर भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, चंबल संभाग के अलावा अब इंदौर और उज्जैन में भी देखने को मिलेगा। यहाँ 3 दिन तक बादल छाने से हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश की राजनीति में अचानक क्रिकेट हावी हो गया है। प्रदेश के 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे क्रिकेट की 22 गज की पिच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे ने छिंदवाड़ा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया तो मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने सीहोर में ऐसे ही एक टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुला लिया। नकुलनाथ पहले ही लोकसभा के सदस्य हैं और ऐसा लग रहा है शिवराज अपने बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रास्ता अपना सकते हैं।
वर्षों तक बैकग्राउंड में रहने के बाद अमित शाह के बेटे जय शाह ने क्रिकेट के जरिए सार्वजनिक जीवन में एंट्री ली और अभी वे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। रविवार को नसरुल्लागंज के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान पर प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने की। इस मौके पर सिंधिया ने सालों बाद हाथ में बल्ला थामा, लेकिन इसे कार्तिकेय के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्तिकेय ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों में इस टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण दिया है। इस टूर्नामेंट के जरिए कार्तिकेय इलाके के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ के दौरान भी वे बुधनी में काफी एक्टिव रहे थे। चर्चा यह है कि कार्तिकेय 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सुरेश रैना छिंदवाड़ा आए। नकुलनाथ का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपे टैलेंट को सामने लाने के लिए टूर्नामेंट शुरू किया गया है। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात से नकद लेन देन बंद करने की तैयारी है। नई व्यवस्था के तहत वाहन चालक केवल फास्टैग से टोल टैक्स दे सकेंगे। जिन वाहन चालकों के वाहन में फास्टैग नहीं होगा और वे फास्टैग लेने में लगेंगे तो उनसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। अब तक दोनों दिशाओं की लेन में एक एक लेन नकद के लिए आरक्षित है, अब यह लेन भी बंद की जाएगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। कान्हा नेशनल पार्क के परिक्षेत्र किसली कोपे डबरी बीट में बाघ 6 का शव मिला है। शव 4 से 5 दिन पुराना बताया गया है। बाघ के अगले बाएं पैर में कैनाइन दांत, जिससे बाघ शिकार करता है, के निशान और पसली टूटी मिली है। इससे आशंका है कि आपसी संघर्ष में बाघ की मौत हुई है। शनिवार शाम अमला गश्ती कर रहा था, इसी दौरान बाघ का शव मिला। संचालक एस के सिंह, उप संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी, एन के यादव मौके पर पहुंचे और शव का परीक्षण किया। शव के सभी पंजे, दांत और नाखून सुरक्षित थे। जंगल में तालाब किनारे एक तेंदुए का शव मिला है। शव को फिलहाल जांच के लिए यथास्थिति पर रखा है। सभागंज बीट में बीट गार्ड सुरजीत सिंह गश्त कर रहे थे, इस दौरान तेंदुए का शव दिखा। मामला संदेहास्पद होने से वन संरक्षक राजेश कुमार राय ने जांच के आदेश दिए हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 15 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 16 फरवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is Inspector, Bank,
SSC, Railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, director of this institute, and hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Thanks, lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो YouTube आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो YouTube खोलिए, अदरवाइज़ Google में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE, YouTube आप सर्च करिए। YouTube सर्च जैसे ही आप करते हैं तो YouTube आपके सामने ये YouTube.com खुल जाता है। YouTube को आप खोलिए। YouTube खोलने के उपरांत आप YouTube में साइन इन कर लीजिए। YouTube में आपको साइन इन करना होगा। YouTube में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप YouTube में अगर साइन इन करते हैं तो YouTube में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया, ये देखिए आपको नोटिफिकेशन, आप चाहें तो अलाउ करें चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद। आपको अभी वीडियोस प्ले, जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी, लिमटी की लालटेन
यहाँ आप लिम्टी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं सबसे पहले तो होम में जाएंगे, चार पांच जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोज़ एक लाइन से आपको सारे वीडियोज़ दिखना